आज की वीडियो है सेब के शरबत की, जिसको पीने से तुरंत एनर्जी का एहसास होता है, तुरंत एनर्जी महसूस होती है शरीर में। तो अगर कभी आपको वीकनेस लगती है तो आप इस सेब के शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन गैस पर रखा है और गैस को किया है ऑन, और उसमें मैं डालूँगी आधा लीटर पानी। पानी आधा लीटर ही डालिएगा और इसको ढक करके हमने गरम करना है, हाई फ्लेम पे इसको उबालना है पानी को। यहाँ पर दो सेब लिए हैं, अच्छी तरह से इनको धो लिया है और धो करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, छिलका नहीं उतारना है सेब का। छोटे छोटे पीस में इसको काटना है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी हम जैसे काम करते हैं या किसी भी वजह से जैसे थकावट सी महसूस होती है और लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुरंत एनर्जी आ जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सेब को छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब इसको उबलते हुए पानी में आपने डाल देना है, और जैसे ही आप इसको पानी में डाल देंगे तो तुरंत ही आपने इसका जो ढक्कन है वो बंद कर देना है, यानी लिड लगा देनी है। एक बार हिला देना, और लिड लगाने के बाद गैस को आपने तुरंत बंद कर देना है। जब आप सेब पानी में डाल देंगे तो उसको बॉयल नहीं करना है और इसको ठंडा होने देना है अपने आप। तो अब ये ठंडा हो चुका है, यानी पीने लायक हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आप छन्नी से छान कर पी सकते हैं। तो ये आप पी सकते हैं, एनर्जी के लिए तुरंत एनर्जी देगा, और जो सेब के टुकड़े बच जाते हैं उनको आप बाद में खा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सेब खाने से भी एनर्जी मिलती है, सभी जानते हैं सेब कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। पर क्या होता है कि फल जो पचता है कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, पर इस तरह से अगर तुरंत एनर्जी चाहिए हो तो आप इस तरह से शरबत बनाकर पी सकते हैं। हाँ, अगर आपको सेब से एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको कंज्यूम कीजिएगा, पीजिएगा। कोई भी होम रेमेडी होती है उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी होम रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो टुकड़े बच गए हैं सेब के, इसको आप बाद में खा सकते हैं। जब आप शरबत पी लेंगे तो कम से कम 1 घंटे का गैप रखिएगा। 1 घंटे बाद जो बचा हुआ सेब है, सेब के टुकड़े हैं, उनको आप खा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।